बस स्टैंड है उसके अपोजिट साइड में रोड के, वहाँ पे 4-5 बिल्डिंग्स में लगभग 4-5 दिन पहले जो इन्होंने ट्रैक्स डबल होते दिखे थे तो उन वो सारे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस थे और उन शॉप्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेनेंट्स थे, काफ़ी ज़्यादा शॉपकीपर जो है वहाँ काम कर रहे थे। हमने सबको जो है समय रहते खाली करवा लिया था और इसमें 2 बैंक्स भी काम कर रहे थे, एक जो है कानड़ा कोऑपरेटिव बैंक और दूसरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो भी ऑफिस यहाँ से स्थानांतरित हो गए थे अपने पूरे सामान के साथ। इसके अतिरिक्त जो है उन 4 बिल्डिंग्स में से 3 बिल्डिंग्स तो अभी तक कोलैप्स कर चुकी है, साथ की जो 2 साइड वाली बिल्डिंग्स हैं उनको भी काफ़ी क्षति हुई है और इसके अतिरिक्त जो पीछे की 4 बिल्डिंग्स थी वो कोलैप्स हो चुकी है और एक बिल्डिंग अभी भी आप देख सकते हैं वो अबाउट टू कोलैप्स है। इन बिल्डिंग से जो है क्योंकि ये जो पीछे वाली बिल्डिंग्स थी इनमें सुबह ही थोड़ा ज़्यादा क्रैक्स डेवलप होना शुरू हुए तो समय रहते इन बिल्डिंग्स में जितने भी टेनेंट्स थे या जितने भी हाउस ओनर्स थे वो सबको जो है वेकेट करा लिया गया था। तो एज सच अभी तक जो है किसी भी जानी नुकसान की जो है वो सूचना हमारे पास नहीं है। जो जितना भी ये मटेरियल लॉस यहाँ पे हैं बिल्डिंग्स का या दूसरा, उसकी असेसमेंट कराने के बाद जो है क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थी तो उसकी असेसमेंट को करवा के ही पता लगेगा कितनी है। अदरवाइज हमने इन जो आगे वाली 4 कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस थे वी हैव ऑलरेडी सर्व नोटिस टू ऑल दोज 4 कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस और उसमें जितने भी टेनेंट्स थे जितने भी उसमें उनको अनसेफ डिक्लेयर करके हमने खाली करवा के पहले जो है सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट कर लिया। सर आनी में एक और एरिया भी है आपके ऑफिस के सामने के वाला जो पहले आपने खाली करा दिया कि वहाँ पर क्या हालत है, क्या वहाँ से कोई ऐसी सूचना है क्योंकि वो पूरा लैंडस्लाइड वाला एरिया जो निकल रहा है। हाँ जी, वहाँ क्योंकि वो 305 के साथ वाला ही एरिया है, 305 NH जो है उसके एडजॉइनिंग वो एरिया है और 305 NH भी पीछे 2-3 दिन उसकी वजह से बंद रहा और अभी भी वो बंद था। अभी हमें आने के लिए भी यहाँ ऑन फुट ही आना पड़ा ऑन द स्पॉट क्योंकि अभी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो हालांकि अभी हमने जो है वहाँ यातायात को सुचारू कर लिया है लेकिन 305 जो NH है उन्हीं बिल्डिंग्स के गिरने से वो अभी जो है ब्लॉक है तो उसको खोलने के लिए भी हम प्रयास करेंगे जैसे ही स्थिति नॉर्मल होती है। वो जो एरिया है वहाँ जितनी भी जो बिल्डिंग्स थी जैसे हमारे कुछ एक सराय भवन थे मंदिरों के शमश्री महादेव जी जो यहाँ के मेन देवता है उनकी भी एक सराय यहाँ पे है, इन सबको खाली करवा लिया गया।